हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पिट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये आपका फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके हैं और 2 क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो फिलहाल आज के प्रैक्टिस सेट पे हम फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ऑप्शन आपके पास अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुला। तो आपको कमेंट करके बताना भी है कि कौन सा राइट ऑप्शन है और खुद एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा जीवक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, यानी कैवल्य का अर्थ पूछा गया है, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना या दूसरों की सेवा करना। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैवल्य का मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, स्तंभ, स्तूप, चैत्य या बारादरी। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि स्तंभ जो है वो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, कौशाम्बी का, कुशीनगर का, श्रावस्ती का या थानेश्वर का। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। ऑप्शन आपके पास जमींदारी, जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता था, महालवाड़ी, दस्तक या रैयतवाड़ी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है दस्तक। दस्तक क्या थी, भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन आपके पास एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन या विंचेस्टर। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनफील्ड। एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर क्या थी, आपत्ति थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि किसने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे, यानी इनमें से कौन राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। ऑप्शन आपके पास सुब्रमण्य अय्यर, राजन राम मोहन राय, आनंद चारलू या महात्मा गांधी। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय राजनीतिक सुधारों से रिलेटेड थे, इन्होंने राजनीतिक सुधारों से रिलेटेड आंदोलन शुरू किए। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी, यानी स्थान का नाम पूछ रहा है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या मद्रास। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी, यानी ब्रिटिश सरकार ने जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो कब की थी। 7 अगस्त 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को या 1 सितंबर 1905 को। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 19 जुलाई 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था, अनुशीलन समिति, मित्र मेला, डेक्कन शिक्षा समाज या सत्यशोधक समाज। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मित्र मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है कौन सी फसलें कहलाती है, रबी, खरीफ, नकद या भोजन। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही है, रबी की फसलें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है, मुटराजी, मोंगे, टुगेला या एंजिल। यहाँ जो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंजिल जो झरना है आपका वो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर या 9000 मीटर। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा एक अल्पाइन देश है, पोलैंड, इटली, स्पेन या यूनान। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इटली। इटली क्या है, एक
अल्पाइन देश है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव या श्रीलंका। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेटिकन सिटी क्या है, दुनिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत में 1 जुलाई किस सन को पेश किया गया था, यानी सन आपसे पूछ रहा है, 2014, 2016, 2017 या 2018। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है, किसान विकास पत्र, किसान विद्याधन, सुकन्या योजना या पीपीएफ। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किसान विकास पत्र, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने किस बीमा योजना शुरू की है, यानी कौन सी बीमा योजना शुरू की गई थी, बाढ़, किसान फसल या खाद्य फसल। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो वह स्थिति क्या कहलाती है, आर्थिक विकास, परिदान, मुद्रास्फीति या सकारात्मक आर्थिक असंतुलन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था, बेंगलुरु में, पुणे में, कोलकाता में या मुंबई में। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए, 23 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 वर्ष, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में, उपराष्ट्रपति में या मुख्यमंत्री में। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या गोवा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊर्जा की इसाई इकाई क्या है, न्यूटन, जूल, किलोवाट या हॉर्स पावर। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, कौन सा हो जाएगा, जूल हो जाएगी, ऊर्जा की एसआई इकाई जो होती है वो होती है जूल। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध की घनता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लैक्टोमीटर, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रोटीन की खोज की थी, जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन, एर्नेस्ट रदरफोर्ड या यूजीन गोल्डस्टीन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूजीन गोल्डस्टीन ने प्रोटीन की खोज की थी। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर कितने से कितने होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है, 75 से 100, 50 से 75, 100 से 125 या 25 से 50। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 100 से 125 होने की स्थिति को प्री डायबिटीज नाम माना जाता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है, प्लीहा, यकृत, हृदय या किडनी। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जिसमें कह रहा है कि 50 मीटर का 30% कितना होगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है कि इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन 100, 30 अपॉन 100 करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि रूट 0.8 का मान क्या होगा, मैथ का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, मैथ के जितने भी क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व कराऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको आंसर बता देती हूँ ताकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आंसर मैच कर लें, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 0.894। फिर कह रहा है कि यदि 8 की पावर 1.2 इंटू 64 की पावर 8 इंटू 40 की पावर 2.4 इंटू 25 की पावर 1.3 इक्वल टू 40 की पावर 5 है, तो a का मान क्या होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इन सबको एक ही उसमें क्रम में, मतलब जैसे कि 2 की पावर हो गया या 5 की पावर, जैसे भी इसे एक ही पावर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यानी बेस सेम कर लीजिएगा, तो आपको करने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.7। ये भी आपका भिन्न से रिलेटेड है, यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है आपको, परिमाण के क्रम से व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है ये आपको डिसाइड करना, यानी इनको क्रम में लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ से रिलेटेड है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2016, सॉल्व करके आप मैच करा लीजिएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाखंड के नाम से प्रसिद्ध है, यानी आल्हाखंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज रासो, हुमान रासो, परमाल रासो या बीसल देव रासो। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाल रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। फिर कह रहा है कि समष्टि का विपरीतार्थक क्या सा होगा, यानी समष्टि का जो विपरीत अर्थ वाला शब्द है वो कौन सा है, विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यष्टि। फिर कह रहा है कि तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सूर्य, नाम, युवति या नदी। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है सूर्य, तरणी मतलब होता है सूर्य। फिर कह रहा है कि इन शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, लताएं, नदी, बाग या जंगल। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, जंगल क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ आपको डी ऑप्शन करेक्ट करना है। फिर कह रहा है कि जीतने की इच्छा के लिए शब्द है, यानी जो इंसान के अंदर जीतने की इच्छा हो उसे हम क्या कहेंगे, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होगा, जिजीविसा, जिघ्रच्छा, जिघत्सा या जिगीसा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीतने की इच्छा मतलब जिगीसा, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको रीड करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे के आंसर देने हैं। प्रेसेज है आपका, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा, राज्याधिकारों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि इसका उत्तर नहीं है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ाना होगा। पैसेज रीड कर लिया है, अब हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं, संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए। यहाँ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छे जीवन के लिए। मनुष्य को बाहरी सुख सुविधाएं क्यों लुभाते हैं, अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी समर्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्षमतावान, सक्षम,
शक्तिशाली या समर्थवान, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शक्तिशाली। समर्थ मतलब क्षमतावान होता है, सक्षम होता है, सामर्थ्यवान भी होता है, लेकिन शक्तिशाली से समर्थ का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ सी क्या है, डिफरेंट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, इसमें अंबार जो रेखांकित पद है इसकी मीनिंग क्या है वो आपको बताना है, इसे क्या तात्पर्य है, ढेर से, आभार से, कृतज्ञता से या भार से, तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा ढेर से, प्रतिष्ठा के ढेर से लाद दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपर्युक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण कौन सा है, भली भांति निर्वाह कर चुका या भली, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है भली भांति, ये क्या है, क्रिया विशेषण। फिर कह रहा है कि महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है, महत्व प्लस आकांक्षा, महत्व प्लस आकांक्षा, सेम सेम दिया हुआ है, महत्व प्लस कांक्षा या महत्व प्लस आकांक्षा, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महत्व प्लस आकांक्षा मिलकर महत्वाकांक्षा बनता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपको एक पंक्ति दी हुई है, कह रहा है कि नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है, अब आपको आंसर देना है। कह रहा है कि प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह कौन सा है, प्रत्युत्तर, प्रदेश, प्रपत्र या प्रत्येक, प्रभाव प्रदेश या प्रसाद, प्रत्येक प्रपत्र या प्रभाव प्रदेश प्रपत्र, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए प्र प्लस भाव, प्र प्लस देश, प्र प्लस पत्र, यानी ये सभी प्र उपसर्ग से बने हुए हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है, रत्नों का, विधि के विधानों का, भाग्यवाद का या वसुधा का, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग्यवाद का खंडन किया है। फिर कह रहे हैं कि विधि अंकन से तात्पर्य क्या है, न्यायवादी, न्याय अंक, विधाता का लिखा हुआ या भाग्य का लिखा हुआ, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विधि अंक मतलब भाग्य का लिखा हुआ। फिर कह रहे हैं कि कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता, रत्न स्वयं प्रकाश युक्त होते, रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती या धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, तो राइट ऑप्शन कौन सा है, इसका डी ऑप्शन सही है कि अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है, उगल, रतन, प्रबल या स्वयं, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, रतन क्या है, बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, तो इसके लिए कौन सा शब्द होगा, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, मेटाफोर या सिमिल, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीमोरन। फिर क्या करना है, आपको एक पैसेज रीड करना है और फिर उसके बाद आंसर देना है। पैसेज क्या है, फॉर एनी एक्टिविटी डिसिप्लिन इज द कीवर्ड, इट शुड बिगिन विद द सेल्फ देन बी एक्सटेंडेड टू द फैमिली, नेबर, एनवायरमेंट, वर्क प्लेस, सोसाइटी एंड द नेशन एट लार्ज, इट इज फ्रॉम सोसाइटी दैट इंस्पिरेशन इज ड्रॉन, सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन शुड प्रोवाइड द इंस्पिरेशन टू सोसाइटी थ्रू परफॉर्मेंस विच इन टर्न विल प्रोवाइड लीडर कैपेबल ऑफ रिबिल्डिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग society into a strong nation, the nationalist spirit then becomes infectious, ab aapko answer dena hai, isme keh raha what is the key word for activity according to the passage, active discipline, key discipline, self discipline ya discipline, to yahan jo answer bataya gaya ho discipline ke bare mein bataya gaya hai, to is passage ke liye hum ek key word use kar sakte hain discipline, to yahan d option correct hai. Phir keh raha ki according to the passage discipline should begin, sorry, discipline should begin with the self, family and neighbors, with the self, family, neighbors and environment, with the self, family, workplace, society. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, with the self. फिर कह रहा है according to the passage, where do we draw inspiration from, society, society and nation, environment या nothing in particular, तो यहाँ जो आपका right answer है वो है society. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ गुड लीडर शुड बी कैपेबल ऑफ रिबिल्डिंग अ नेशन एंड द वे ही और शी लाइक्स, रिबिल्डिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग सोसाइटी इनटू अ स्ट्रॉन्ग नेशन या बिल्डिंग अ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन या रीबिल्डिंग एंड
स्ट्रक्चरिंग अ नेशन, कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रीबिल्डिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग सोसाइटी इनटू अ स्ट्रांग नेशन। लास्ट की पंक्तियों में ये दिया हुआ था। फिर आपको क्या दिया हुआ है? कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष हैं। चिन्हित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का निश्चित रूप से अनुकरण करता है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हैं। स्टेटमेंट है, कुछ सिंह बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां बाघ हैं, कोई भी बाघ हाथी नहीं है, सभी हाथी खरगोश है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको रीजनिंग के माध्यम से इसे सॉल्व करना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना होगा। मैं राइट आंसर बता देती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और सॉल्व आपको खुद ही करना है। अरे ऐसे क्वेश्चन, ये सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ अनुसरण करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे भी आपको ही सॉल्व करना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। बाद में मैं सभी क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के कराऊंगी। फिर कह रहे हैं कि निम्न चारों में से असंगत को चुनिए, यानी जो डिफरेंट है, लोहा, तांबा, इस्पात या एल्यूमिनियम। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस्पात क्या है, इन तीनों से भिन्न है। ये भी एक क्या है, ये आपका रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, वो है। तो आपको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप अच्छे से रीड कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नहीं आता है टेंशन मत लीजिए, बाद में हम वन बाई वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी रीजनिंग का क्वेश्चन या मैथ का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ही सॉल्व करना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर कह रहा है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को संविधान में शामिल करने हेतु जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है? जर्मनी ने, न्यूजीलैंड ने, भारत ने या फ्रांस ने? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस ने। फिर कह रहे हैं कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? विजय मित्तल को, संजय कपूर को, समीर आहूजा को या सकीर अहमद को? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संजय कपूर को। फिर कह रहे हैं कि बर्ड फ्लू को किस राज्य ने आपदा घोषित किया है? असम ने, केरल ने, राजस्थान या उड़ीसा ने? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस या जैक मा? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एलन मस्क क्या है? दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि रिकार्डो रिको, जिनको आजीवन प्रतिबंधित किया गया है, किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, साइकिलिंग, टेनिस या बैडमिंटन? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये साइकिलिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा खिलाड़ी देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला, सॉरी, कौन सा खाड़ी देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला देश होगा? सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात या कतर? तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर की प्रमुख अखबार ने किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर चुना है? पंकज पटेल, अदार पूनावाला, दिलीप सांघवी या उमंग वोहरा? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अदार पूनावाला। फिर कह रहे हैं कि किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस यानी ACTS पहल शुरू की है? माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, इंटेल या IBM? तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? मंडी, सोलन, शिमला या धर्मशाला? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वंदे उत्कल जननी गीत को किस राज्य ने राज्यगान का दर्जा प्रदान किया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्य को स्पर्श करती है? 6, 7, 8 या 9? यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9 राज्यों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 9, 19, 204 या 300? यहाँ आपका
कोई कंफ्यूजन यहाँ आपका राइट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती रामास्वामी, हम्पी कोनेरू, एस विजया लक्ष्मी या कृतिका नगित। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस विजया लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरा विश्व होलोकॉस्ट शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? जर्मनी, मिश्र, चीन या मेक्सिको। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? बीजिंग में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन, लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया रेडियो या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। सही ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो का ये क्या है आदर्श वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, यानी किस पुलिस का ये आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन आपके पास उड़ीसा पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस या हरियाणा पुलिस। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये आदर्श वाक्य है। फिर कह रहे हैं कि वर्षाए का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? लंदन, पेरिस, रोम या ब्रुसेल्स। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या इटली में। यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में, यानी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक जो यूनिवर्सिटीज है वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पंचशील का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचशील का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आगे के जो 20 क्वेश्चन थे वो मैथ से रिलेटेड थे, इस वजह से मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किए हैं। फिलहाल आपको 80 क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना है क्योंकि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बार बार रिपीट भी हो चुके हैं। अगर आप सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इस चैनल से जुड़े रहिए और डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।